till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And love. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो. और बस आज का जो दिन है ये हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज है हमारा एनिवर्सरी, सेकेंड ईयर एनिवर्सरी. लास्ट ईयर का एनिवर्सरी भी हम लोग ने सेलिब्रेट किया था, उस टाइम भी लॉकडाउन था. इस बार भी वही चल रहा है, बट फिर भी हम लोग एंजॉयमेंट पे रुकावट नहीं लाएंगे. तो इसीलिए हम फटाफट से आज के दिन शुरू करते हैं. फिलहाल तो अभी हो रहा है 8:30 और हमको अभी करना है चालू घर का थोड़ा काम, देखना है क्या क्या सामान है नहीं है, अरेंजमेंट सब कुछ थोड़ा एक बार नज़र डाल लेंगे सब कुछ. उसके बाद केक जो ऑर्डर किया उसके साथ एक बार एक थोड़ा बात करना है, कभी देगा केक, क्योंकि केक वो शायद से डिलीवर करके जाएगा ऐसे ही बताया था. तो उसके साथ एक बार चेक करके कभी आएगा केक वो एक बार देख लेना है. और बस केक कटिंग, खाना, दिन भर की मस्ती सब दिखाएंगे आप लोगों के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. ओके गाइस, तो हमारा केक हो गया ऑर्डर ऑलरेडी, क्योंकि हम केक ऑलरेडी बोल के रखे थे, सिर्फ ऑर्डर प्लेस अभी किए. तो भैया ने बताया कि जल्द से जल्द डिलीवर कर देगा. 3 केक का प्लानिंग है अभी, सुबह में एक, दोपहर में एक और शाम को एक. सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को. फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि कुछ सामान लाना है. शॉर्टेज हो गया है अंडा, और वो लाने के लिए जाना है अंडा. और जूही का प्लानिंग था कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थोड़ा चाहिए था, क्योंकि आज बहुत सारा चीज़ खाना है, इसीलिए लास्ट में हजम होना भी ज़रूरी है, इसीलिए एक कोल्ड ड्रिंक भी लाना है. तो बस फिलहाल यही आज का अभी का प्लान है अभी के लिए. फिलहाल मैं फटाफट जाता हूँ, मास्क पहनना ज़रूरी है, इसीलिए मास्क हाथ में लेके घूम रहा हूँ. आके फिर आपको दिखाएंगे प्रिपरेशन कैसा चल रहा है सब कुछ, और या फिर जूही भी दिखाएगी आपको, नो प्रॉब्लम. ओके गाइस, चलो मिलते हैं फिर, सामान ला के फिर आपसे हम बात करेंगे. Meanwhile. फिलहाल तो मैं अभी बाहर से आ चुका हूँ, और घर पे जब मैं आया उसके अंदर ही मैं देखा आके कि केक आ चुका है. आप लोगों को दिखा देते हैं केक कि कैसा दिखने वाला है. ये है सुबह का ये वाला, इट इज़ अ फ्रूट केक. और एक केक है ये वाला, दिख रहा है ना. और एक जन यहाँ पे है जिसको आपको दिखाएंगे, वो है ये. चेरी से हम अभी केक को थोड़ा सा संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि शी इज वेरी एक्साइटेड. उसको समझ में आ गया है कि आज घर पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है. अभी तो फिलहाल मस्त मसाज ले रही है. चेरू, चेरी,
खेल भी ना की, खेल भी ना की, खेल भी ना की बाबू, खेल भी ना की हमें चलो। यही है उसका स्टाइल, खेलने का सोने का। पर जब भी ऐसा ऐसा हम करते हैं, उसका देखिए आंख कैसा हो गया। शी इज एंजॉयिंग इट, रिलैक्सिंग। उसको थोड़ा रिलैक्स करने देते हैं और हम हमारा काम चालू करते हैं, क्योंकि फिश फ्राई का जो अरेंजमेंट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं छोटा सा एक क्लिप, फटाफट किचन में चलते हैं। फिर आज का ये है मेरा अभी के लिए टी शर्ट, ये मैंने पहन लिया है। और खाना सब यहाँ पे ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो रहा है, प्रिपरेशन आप लोग को दिखाएंगे सारी चीज़। और इस बार भी पिछले साल की तरह ही हम थोड़े नियरेस्ट जो रिलेटिव्स है क्लोजेस्ट, तो उसको ही सब हम थोड़ा सा खाना देंगे। और इस साल हम किसी को बुला नहीं पाए क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन था, सिचुएशन भी थोड़ा ख़राब है, इसीलिए थोड़ा सेफ रह के बट सेलिब्रेशन करना जरूरी है। तो इसे सेफ भी रहना है और सेलिब्रेशन भी करना है। और फिलहाल चेरी इज ऑल्सो स्मेलिंग समथिंग, चिकन का स्मेल उसको आ रहा है और मुझे भी आ रहा है। चलो दिखाएंगे सब कुछ आपको फटाफट टेबल पे। तो गाइज हमारा टेबल डेकोरेशन हो गया है स्टार्ट, और टेबल डेकोरेट भी हम लोग ने कर लिया है। प्लेट्स रखा हुआ है, ये है लूची, ये है बसंती पुलाव, और फिर ये है चिकन चाप। धुआं निकल रहा है एकदम गर्मा गर्म और स्मेल तो खतरनाक निकल रहा है। फिर इधर है आलू दम, दिस इज प्योर वेज, और ये सिर्फ स्पेसिफिकली जो लोग वेज खाते हैं उन लोग के लिए सिर्फ बनाया। और ये है चना दाल तड़का। फिर यहाँ पे है छाना डालना, बेसिकली पनीर, यस। फिर यहाँ पे है भिटकी माछेर फिश फ्राई। फिर ये है आमेर चटनी, एंड देन राइट पे है गुलाब जामुन, और ये है पायस। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी है फ्रिज में फिलहाल, क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए हम बाहर रख नहीं पाए उसको, नहीं तो पिघल जाएगा। तो टेबल प्रिपरेशन हमारा हो गया रेडी, अभी फिलहाल तो हम फटाफट इसको कब खाएं इसी का इंतजार कर रहा है। टेबल डेकोरेशन तो आप लोग ने देख लिया है, क्या मस्त मस्त टेस्टी खाना बना है। और एक चीज बोलना ही भूल गया था आप लोगों की, आज शाम को जो मैं पहनने वाला हूँ वो मुझे जामाई षष्ठी में गिफ्ट मिला था। इस साल का जामाई षष्ठी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है लिंक जरूर चेक कर लेना, मैं डाल दूंगा। और वो एक पंजाबी और कुर्ता है, और जूही जो पहनने वाली है वो मैंने उसको गिफ्ट किया था एनिवर्सरी के लिए, मैचिंग मैचिंग। और फिर लास्ट ईयर का जो एनिवर्सरी का वीडियो है वो भी आप देख लेना, वो भी बहुत मजा किया था हम लोग। तो फिलहाल अभी ड्रेसिंग का तो आप लोगों को बता दिया क्या क्या पहनने वाला है, कुर्ता पंजाबी मेरा और जूही के लिए साड़ी, कलर क्या है क्या नहीं है सब शाम को ही आपके लिए वो सस्पेंस रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल तो अभी हम केक कटिंग करेंगे और सबको भेजना भी है, तो फटाफट हम उधर जाते हैं केक कटिंग कर लेते हैं। 12:30 होने जा रहा है, हाँ 12:30 होने जा रहा है, तो इसीलिए और लेट नहीं करेंगे, प्रिपरेशन फटाफट करके भेज देंगे खाना।
और केक्स भी आ चुका है, दो दो केक्स, क्योंकि मॉर्निंग में हम दो दो केक्स काटने वाले थे, तो यही था सीन फिलहाल के लिए। तो अभी वो केक कटिंग करेंगे, केक कटिंग दिखाएंगे आपको, और शाम का जो केक है वो अभी तक नहीं आया है, वो भैया क्या कर रहा है पता नहीं, उसके साथ थोड़ा बात करना पड़ेगा कि कब तक भेजेगा वो केक जब आएगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी किचन में चल रहा है जोरदार से तैयारी, क्योंकि खाना जो भेजना है उसका तैयारी चल रहा है, फिलहाल आपको दिखाते हैं सब कुछ, चलिए फटाफट। ये वाला है चोको मोमेंट केक, और इसका डिजाइन जो है ये 3D कोन डिजाइन पे है, और ये वाला है फ्रेश फ्रूट फ्लेवर्ड केक। और हम लोग ने टेबल डेकोरेशन के टाइम पे हमारा एक रिलेटिव भैया ने डेयरी मिल्क दिया था, तो हम लोग सोचा कि डेकोरेशन के टाइम पे उसको भी रख लेते हैं साइड में, तो अच्छा लगेगा। अभी कैसा है कि अगर आप रांची में रहते हैं, और ये वाला जो चोको मोमेंट केक ये हम लोग ने फूड शॉपी वाला एक दुकान से लिया है, बहुत ही अच्छा केक है, तो आप भी अगर लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे रिलेटिव्स के घर में जो खाना हमको देना था वो उसका तो पूरा तैयारी चल रहा है। ओके गाइस, तो हमारा लंच हो गया खत्म, अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा है बैठ के, और वाइफ भी पूरा दिन अगर किचन में ही सब प्रिपरेशन ये वो करने के लिए। अभी फिलहाल जो रिलेटिव्स लोगों को जो देना था खाना वो सब दे के सब हो गए ख़त्म, और हम अभी खुद थोड़ा थक गए, क्योंकि खाना बनाना, खाना डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर खुद खाने के बाद हम खुद थक गए, तो इसीलिए अभी एक पावर शाम का प्लानिंग वो तो है, यहाँ पे डेकोरेशन करना है, और शाम का जो केक है वो भी आ चुका है, तो वो केक भी आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत बढ़िया केक है। और फिलहाल तो अभी जरूरत है एक पावर नैप का, एक घंटा नींद का जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन, तो हम हो गए पूरा तैयार, ड्रेसिंग पूरा कंप्लीट, और पीछे में थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लिया, जैसे आप लोगों को बताया था कि इवनिंग में थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, और केक भी रखा हुआ है, फटाफट से केक कटिंग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे सब कुछ, चलिए केक कटिंग कर लेते। तो डेकोरेशन हम लोग ने कर लिया है, ये जो बैनर लगाया उसके ऊपर एक लाइट भी हमारे पास था वो भी लगा दिया, अच्छा लग रहा है, और ये गुब्बारा भी हम लोग ने एक रिंग टाइप के बनाकर लगाया, छोटा सा ही सेलिब्रेशन बट थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा सजा के करने के लिए। और गिफ्ट्स मिले बहुत सारे, तो गिफ्ट्स हम लोग ने रख लिया, और ये वाला केक है जो स्पेशल इवनिंग का जो केक है वो हम काटने वाले हैं, और गिफ्ट्स है सारे के सारे, अनपैक तो करेंगे सारे के सारे बट केक कटिंग के बाद। और ये वाला जो केक है ये रसमलाई फ्लेवर का है, ये हम लोग ने केकलिशियस दुकान से ऑर्डर किया है, बहुत ही अच्छा केक है और यूनिक फ्लेवर है, आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिटेल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमारा केक कटिंग हो गया खत्म, तो अभी हम घर का जो यूजुअल ड्रेस था उसी पे अभी चेंज करके अभी गिफ्ट्स अनपैक करेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें,
कि हम लोग जो भी कर रहे हैं घर पे कर रहे हैं, और घर के अंदर जितना भी एंजॉयमेंट आप भी कर सकते हो आप करो बगैर बाहर जाके, और थोड़ा सा सेफ रह के, क्योंकि हम लोग भी कोशिश किया जितना भी घर घर के अंदर, मतलब खाना भी घर के अंदर सब कुछ बनाया, सेलिब्रेशन हुआ घर के अंदर सिर्फ विद इन द फैमिली, तो वो थोड़ा सेफ रहता है। आप भी थोड़ा सेफ रह के एंजॉय करो तो एंजॉयमेंट का जो मजा है वो और भी बढ़ जाता है, और आप खुद को बचा सकते हो, बस यही बोलना था। और अभी तो फिलहाल बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तो गिफ्ट अनरैप करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या आज गिफ्ट में हम लोगों को मिला। गाइस तो क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ प्लान में, क्योंकि रात का जो डिनर था वो अभी बनाने का मन नहीं कर रहा है किसी को, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा एक प्लेट हम लोग ने बाहर से ऑर्डर कर लिए जोमैटो से, वो भी कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, वो बाहर में रख के चले, एक प्लेट बाहर में रख के चले जाएंगे, और वो बारबेक्यू नेशन का एक प्लेटर होता है छोटा वाला, वो एक ही प्लेट ऑर्डर किया, उसमें हम चारों जन डिवाइड करके खा लेंगे, और क्योंकि रात में अभी और मन नहीं कर रहा है फिलहाल, तो अभी वो गिफ्ट अनरैप करके हम वो भी थक गए, और चेरी भी इतना एक्साइटेड हो गई क्योंकि मतलब दिमाग खराब कर दिया चेरी ने भी, उसको भी वो सारे गिफ्ट्स देखना है, खोलना है, खेलना है उसके साथ, तो इसीलिए हम लोग ने ये किया थोड़ा सा चेंजेस प्लान में। मेरा डिनर हो गया खत्म, थोड़ा सा ही डिनर किया, थोड़ा नहीं हुआ अभी, आज के दिन पे तो बहुत हो गया क्योंकि हम लोग ने बहुत कुछ खाया आज, बट एंजॉयमेंट बहुत किया आप लोगों के साथ, ये छोटा छोटा मोमेंट्स शेयर किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत सारा लाइक करना, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो वो हमारे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, जो हमारे लिए और भी अच्छा लगेगा। लाल सब्सक्राइब बटन वो बिल्कुल फ्री है तो आप जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे, हमारे लाइफ का जो छोटा छोटा मोमेंट है वो शेयर करते रहेंगे। कंटेंट हमारे लिए एक्चुअली क्या है कि हम वीडियो के लिए कंटेंट ऐसे बनाते नहीं है, बट लाइफ का जो हिस्सा है, लाइफ में जो भी हो रहा है वो शेयर करने के लिए कोशिश करते हैं, वही वीडियो का कंटेंट बन जाता है। तो यही है बस, छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, पिछले साल का एनिवर्सरी और इस साल का जामाई षष्ठी का वीडियो का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, वो भी जाके जरूर चेक कर लेना। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स फॉर टुडे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।